स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को, तो ऑक्सिन। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, वाई इज़ द यूज ऑफ आयोडीन सॉल्ट एडवाइसेबल। सो आयोडीन सॉल्ट जो है वो एडवाइसेबल क्यों होता है, क्योंकि जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। तो आयोडीन सॉल्ट जो है वो सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इससे जो होने वाली डिसीज़ है गोइटर वो भी रुक जाए। सो थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरोक्सिन हार्मोन, देयरफॉर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेज ए डिसीज नोन एज गोइटर। सो जो आयोडीन है अगर वो सही अमाउंट में लिया जाए तो गोइटर डिसीज को रोकता है। कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, और जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जो कि इंटरनल ऑर्गन में होती है उनको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड व्हाइल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। कम टू दिस फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एब्सेसिक एसिड। सो एब्सेसिक एसिड जो कि एक प्लांट हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है, वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो एब्सेसिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और जो कि प्लांट ग्रोथ कौन करवाता है, ऑक्सिन। सो ये इसका अपोजिट होता है। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। सो जो हमने अभी देखा कि ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो उसमें फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, जो फोर ब्रेन होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट होता है, और इसकी स्पेशलिस्ट क्या है, ये हेयरिंग, स्मेल एंड साइट के लिए होता है। सो फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेल एंड साइट। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, ब्लड शुगर लेवल राइजेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। सो जो ब्लड शुगर लेवल है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन, जो कि रिलीज्ड होता है कहाँ से, पेनक्रियास से। सो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम पेनक्रियास कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनके क्लासेस को सब्सक्राइब